नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द डिमांड फैक्टर इज जनरली, देखो जो डिमांड फैक्टर होता है वो हमेशा एक से कम होता है, या फिर एक से ज़्यादा होता है, या फिर एक के बराबर होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जो डिमांड फैक्टर होता है वो हमेशा एक से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो डिमांड फैक्टर क्या होता है, ये होता है डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। तो ये होता है डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला। और ये जो डिमांड फैक्टर है ये हमेशा एक से कम क्यों होता है, देखो मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तीन कंज्यूमर है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसमें ये एक कंज्यूमर, ये दो कंज्यूमर, ये तीन कंज्यूमर। मान लो पहला वाला कंज्यूमर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है, दूसरा 2 किलोवाट, तीसरा 3 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे तो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम कितना है, 3 है, ये इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो ऊपर में रहेगा 3 किलोवाट। नीचे कनेक्टेड लोड कितना कनेक्ट हुआ है, इधर 3, इधर 2, इधर 1, तो तीनों को मिलाएंगे तो 3, 2, 5, 6, नीचे 6 होता है। तो ऊपर में 3 है, नीचे 6 है, मीन्स अगर ऊपर में कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, एक से कम ही होता है। तो इसीलिए जो डिमांड फैक्टर होता है वो हमेशा लेस देन 1 मीन्स एक से कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, देखो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है, या फिर यूनिटी 1 होता है, या फिर लैगिंग होता है, या फिर लीडिंग होता है। तो इसका आंसर होगा, देखो जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है इसका पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो पावर फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है। और ये जो थीटा होता है ये करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। देखो अगर एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, ये वाला फिगर देखो, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फिगर, इसमें देखो ये करंट है, ये जो रेड वाला एरो है ये करंट का है और ये वोल्टेज का एरो है। तो दोनों एक ही लाइन में है, मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगर दोनों एक ही लाइन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा मीन्स कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 या फिर यूनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट लेंगे, देखो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो इस कंडीशन में क्या आता है, देखो जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें ये वाला लाइन जो होता है ये करंट का होता है और ये वोल्टेज का होता है। दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90। और जो कॉस 90 होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसीलिए अगर हम प्योरली इंडक्टिव लेंगे या फिर प्योरली कैपेसिटिव लेंगे, दोनों में पावर फैक्टर 0 होता है, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी या फिर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ठीक से, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी वोल्टेज करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में 0 डिग्री होगा और प्योरली रेजिस्टिव में यूनिटी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स बायसिंग ऑफ जीनोट डायोड इज, देखो अगर हम एक जीनोट डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या फिर करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई करेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो जीनोट डायोड होता है इसको अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तो ये करंट को फ्लो करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें क्या होता है, मान लो ये जो फिगर है ये हमारा नॉर्मल डायोड होता है, इसमें ये जो साइड होता है पॉजिटिव होता है और ये देख ठीक से देखो, ये साइड पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है। अगर हम पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इस कंडीशन में जो डायोड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे ना, ये जो पॉजिटिव साइड है इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और ये जो नेगेटिव साइड है इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे, इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं और इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है।
लेकिन जो जिनो डायड होता है इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, जिसे क्या होता है ये जो फिगर है ये हमारा जिनो डायड का फिगर है, ये स्पेशली रिवर्स बायस में ही काम करता है। मीन्स इसका जो पॉजिटिव साइड है, देखो ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, इसका पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया जाता है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन किया जाता है। तो इसको ये होता है रिवर्स बायस, और ये जिनो डायड रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन जो नॉर्मल डायड होता है वो रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ जिनो डायड ही रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। देखो कौन सा, इधर देखो चार टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एक है वोल्टमीटर, दूसरा है रियोस्टाट, तीसरा है वाटमीटर, चौथा है गैल्वेनोमीटर। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है। अगर मेजर भी करेगा तो वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा। तो इसका आंसर होगा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, और अगर मेजरिंग करेगा तो बहुत कम करंट को मेजरिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला यह होता है हमारा गैल्वेनोमीटर का फिगर। जो वोल्टमीटर होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है, वाटमीटर पावर को मेजर करता है, ये सब जानते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंक्रोनस मोटर रन्स एट ओनली वन स्पीड सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज इट। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक ही स्पीड में घूमता है, वो सिर्फ उस स्पीड क्या होता है ना, सिंक्रोनस स्पीड में ही घूमता है, ना ही सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, या फिर इसको डबल फीडेड किया जाता है, या फिर इसमें डैम्पर वाइंडिंग होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये एक ही स्पीड में घूमता है, जो उस स्पीड को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड में ही क्यों घूमता है, क्योंकि इसको डबली फीडेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे, देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर का फिगर है। ऊपर में जो है ये स्टार्टर है, इसका सेंटर में जो है ये होता है रोटर है। तो ये रोटर जो होता है घूमता है, स्टार्टर घूमता है, स्टार्टिंग में रहता है, घूमता नहीं है। तो देखो जो स्टार्टर होता है उसमें हम थ्री फेज का सप्लाई देते हैं, ये थ्री फेज का सप्लाई है। लेकिन इसके साथ देखो ये जो रोटर है, रोटर को भी हम डीसी सप्लाई इधर दिया गया है। देखो मीन्स बाहर से भी सप्लाई किया गया है थ्री फेज एसी से, और रोटर को भी डीसी सप्लाई दिया गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फीडर। स्टार्टर को भी फीडिंग किया गया है और रोटर को भी फीडिंग किया गया है, जिससे क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये हमेशा एक ही स्पीड में घूमता है, और इसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम में आता है कौन सा मोटर का रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं ना सिंक्रोनस मोटर में, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पावर फैक्टर इंक्रीजेस। देखो जब पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा तब एक्टिव पावर डिक्रीज करेगा, या फिर एक्टिव पावर इंक्रीज करेगा, या फिर लाइन करंट डिक्रीज करेगा, या फिर लाइन करंट इंक्रीज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली लाइन करंट डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइन करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई रूट थ्री इंटू लाइन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, या फिर इसको हम पावर फैक्टर के बदले कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन करंट और पावर फैक्टर दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो पावर फैक्टर ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये लाइन करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं पावर इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस थीटा, या फिर पावर फैक्टर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के मुताबिक पावर फैक्टर और लाइन करंट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट डिवाइड्स इटसेल्फ। देखो जब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तब इसमें जो करंट डिवाइड होता है वो डायरेक्ट रेशियो टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली होता है, या फिर रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा मीन्स ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू उधर कम होगा। इधर इसीलिए क्या होगा ना, अगर करंट डिवाइड हो रहा है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लूप, अगर आर वन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो इधर करंट, आर वन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आर वन में करंट कम रहेगा, इधर आर टू रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम रहेगा तो आर टू का करंट ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही मीन्स रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात याद रखो, ये जो पैरेलल सर्किट होता है, ठीक से देखो, जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें तीनों, ये एक लाइन है, ये और एक लाइन है, ये और एक लाइन है, तीनों लाइन में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। सप्लाई वोल्टेज जितना रहेगा, पहला देखो सप्लाई वोल्टेज जितना रहेगा इस लाइन में भी वोल्टेज उतना ही रहेगा, सेकंड लाइन में भी वोल्टेज उतना ही रहेगा, थर्ड में भी उतना ही रहता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट डिवाइड होता है। करंट कैसे डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के मुताबिक। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट का वैल्यू कम होगा, और कम रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन, देखो जो एलईडी लाइट होता है जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं एलईडी, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होता है। देखो ये वाला देखो, किसका ब्लू होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, तो अलग अलग कलर का एलईडी मिलता है। तो ये इनमें से किस पर डिपेंड करता है, एक एलईडी का लाइट कैसा रहेगा, ये चार ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करता है? इसका फॉरवर्ड बायस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसका रिवर्स बायस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर फॉरवर्ड करंट कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, या फिर कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलईडी का लाइट डिपेंड करता है उसमें कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि ये वाला फिगर देखो, टेबल देखो, रेड की रेड रेड के लिए गैलियम आर्सेनाइड पी, देखो जी ए एस मीन्स गैलियम आर्सेनाइड, ज़्यादातर गैलियम आर्सेनाइड क्यों ही यूज किया जाता है हमारा एलईडी में और डिफरेंट टाइप लाइट के लिए। देखो सिलिकॉन कार्बाइड एसआईसी, इसके लिए ब्लू कलर के लिए यूज किया जाता है, और उसके नीचे देखो गैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड, इसको व्हाइट कलर के लिए यूज किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड को हम इन्फ्रारेड लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग लाइट के कलर के लाइट के लिए हम अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी लाइट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन टाइप मीटर ऑपरेटेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मूविंग आयरन टाइप मीटर होता है वो एसी डीसी दोनों में उसको मेजरमेंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो मूविंग कोयल टाइप होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, इसको एमसी भी कहते हैं, वो हमारा सिर्फ डीसी में काम करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो जो मूविंग आयरन टाइप होता है वो बोथ एसी में भी और डीसी में दोनों में भी काम करता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखो हॉट वायर टाइप जो एमिटर होता है वो सिर्फ एसी में काम करता है, ये भी आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा एग्जाम में आता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड इज, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है उसका लेंथ कितना होता है, हाफ मीटर होता है, या फिर एक मीटर होता है, या फिर 1.5 मीटर होता है, या फिर 2.5 मीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आता है। जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा 2.5 मीटर का होता है, ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।